थैंक यू सर। थैंक यू। जल्दी आ गया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू सोनू निगम। अभी के 15 इसलिए वो लेट हो रहे हैं। मोबाइल पीछे हो जाओ। अरे पीछे है। मुंह चला रही है, घूम रही है। हट। ऑर्डर सर। एक फोटो कर ले। सर सर यहां पे सर यहां पे सर फोटो भेजो। वाटर पिक्चर आप इधर से देखते हैं। हां हां ठीक है जी। सर सर और यहां रुक के भेजो। जाने दो जाने दो सर को। ये देखो आप लास्ट ही चालू करो। एक पीछे चलो। नहीं नहीं उल्टा ले रहे थे। विंडो लाइट व्हाइट लाइट कौन वॉकिंग ये व्हाइट लाइट कौन करना चाहिए। कौन दे रहा व्हाइट क्या रे यार। व्हाइट ही मार लो। लेट तो है। चलो क्या हम कर सकते हैं। लेट तो आए हैं आप। नहीं नहीं वॉज ऑन 28th ऑफ दिसंबर। सो जो रफ़ी साहब का इनका कनेक्शन है और मेरा भी स्टेज पर फर्स्ट गाना क्या रियली डूइंग वंडर्स। आई एम ऑल्सो
I just want to thank for all of them. I don't know why it is, my voice is shaking. My hands are shaking. किसी बातें की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी Once again, I want to thank all the fans who have also been part of this wonderful experience. Yes, of course, of course. को आपकी सालगिरह और हमें आप मुबारक हो. ये डॉक्यूमेंट्री जो आज हमने देखी है, इसने मुझे एक बात याद दिलाई जो जहन में कहीं थी, मगर इमीडिएट प्रॉब्लम इतने होते हैं कि आदमी कभी कभी भूल जाता है कोई बात. ये एक इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है. आज हमें ये नहीं मालूम कि 12-13 म्यूजिशियंस लेके ओपी नैयर किस तरह उनको ऑर्गेनाइज और अरेंज करते थे. इससे उन्होंने कभी 15 म्यूजिशियन ही नहीं लिए अपनी लाइफ में. तो कितनी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, कितनी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं. साहिर और शैलेंद्र गाना कैसे लिखते थे, क्या करते थे, क्यों इस शब्द पे इंसिस्ट करते कि ये यूँ ही रहेगा, क्या वजह थी. अपना गाना वो एक्सप्लेन जब करते थे, बताते थे तो म्यूजिक डायरेक्टर को या डायरेक्टर को कि मैंने ये वर्ड क्यों चूज किए, बताते थे, मैं जानता हूँ उनके बारे में. नहीं है डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का रस्म ही नहीं है. आज हमें कितनी बातें मालूम हुई सोनू निगम जैसे, हम मतलब मैं इनसे भी पहले से जानता हूँ, हमें नहीं पता थी, इस डॉक्यूमेंट्री ने हमें बताया. तो ऐसी मतलब मैं तो, आप तो 7 या 8 साल के थे भाई बेताब में, कितने बड़े थे, 7 साल के थे, मैं कोई 8-9 का रहूंगा. तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, हमें इस डॉक्यूमेंट्री से सीखना होगा. और ये काम कीजिए तो आप तो जाते रहते हैं अलग अलग जगह पे, इसका डॉक्यूमेंटेशन कांस्टेंट कीजिए, ये बहुत कीमती चीज है. इसलिए कि रोज रोज सोनू निगम नहीं होते हैं. देखिए कुछ कभी कभी लोग समझते हैं अमिताभ बच्चन को एक्टिंग आती है, सोनू निगम का गला अच्छा है तो इसे बन गए, ये इतना काफ़ी नहीं है इतना बनने के लिए, उसके लिए और बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं. वो सब जब एक जगह इत्तेफाक से वो सातों सितारे एक जगह एक घर में ये जो होते हैं तो ये सब आते हैं ना, सिर्फ घर होते हैं, पता नहीं मुझे तो मालूम नहीं सितारों के घर का, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो एक घर में आ जाते हैं. तो ये जब बहुत सारी खूबियाँ, ह्यूमिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो और ये मैं देखता हूँ. अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन यार एक यंग डैशिंग आदमी जो खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, उसे गुरु जी कह के यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार. अच्छा गुरु जी कहना तो उसका एब्रिविएशन बना लो ना, जीजे कुछ करो, मगर गुरु जी बस को, हमारा सोनू निगम गुरु जी नहीं है. Love for sorry 14 in Shri Fort studio when Vishwajit was the chief guest, I was there with your father Prem Bhatia ji, all team, and I am from Chandigarh, I am a pathologist. You came to Chandigarh one day, आगे वो उद्घाटन करने आए थे ना, वो फिल्म की वो जो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी, पहली फिल्म जिनमें आपने, उनका उद्घाटन करने आए थे आप. वो फिल्म में ग्राफिक्स होते हैं ना, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था. तो आपके साथ बिट्टा जी की थी सिक्योरिटी, बिट्टा जी की. तो आई केम टू मीट यू एंड यू इन्वाइटेड मी फॉर द डिनर इन द रिजॉर्ट, सो आई वॉज देयर विद यू फॉर अप टू 12 o'clock मिडनाइट विद द सिक्योरिटी. आई हैड अ लॉट ऑफ टॉक विद यू एंड मैंने 11:30 बजे आपको एक पीपल का ट्री था वहाँ उसके नीचे ले गया था. मैंने आपको बोला था जिंदगी में आप बहुत ऊपर जाओगे, दैट टाइम यू आर वेरी न्यू,
यू विल रीच रफ़ी साहब, लेकिन बिफोर यू गो रफ़ी साहब के लिए ऐसा काम करके जाना जो दुनिया देखे. एंड यू सेड यस आई विल डू एंड आई सेड आई विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट. तो आपने कहा था जरूर, क्योंकि रफ़ी साहब ही हैं जिसकी इंस्पिरेशन से आप, आपके फादर, टुडे यू आर हियर, नोबडी इज हियर वेयर यू आर. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. एंड वन मोर थिंग, जब वो शो ख़त्म हुआ था श्री फोर्ट में, तो वो मैं आपके डैड के साथ आया था बाहर, आप ही थे, तो वो स्कूटर था ना आपके पास, लम्बरेटा स्कूटर, तो मैंने धक्का लगाया था तो इज गॉट स्टार्टेड. वो मेमोरीज है. हाँ, जगह ये धक्का ना लगा हो. सोचिए. ऑलराइट, विद दिस आई थिंक बर्थडे केक काट दी जाए प्लीज. यस. एंड बिग थैंक यू. टुडे इज आल्सो अ वेरी स्पेशल डे. वी हैव आल्सो अनूप जलोटा जी हु इज सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे. सर, yesterday sir, aap bhi if I can request you to join us on the dais. कहाँ जाए, कहाँ गए हैं, कहाँ गए, अरे कहाँ, तो मैं भी जूस आ गया ना, हम मेरे साथ चलिए, पीछे आपकी गाड़ी आएगी, तो बैठ जाए. हाँ भाई, अब ये सर जस्ट लैंडेड एंड केम सीधा. कहाँ गए? आई वाज इन लंदन विद जाकिर भाई एंड मी, वी वर डूइंग. अच्छा, इधर राकेश शोरा से. अच्छा अच्छा सर, हमारी अभी तुम मुलाकात होगी. अभी हम लोग फाउंडर मेंबर है, हमारा ही गाने नहीं गए स्टिल. अभी आज ही आए हैं सर, अभी लैंड होके जस्ट के हम नाउ आई एम हियर ओनली. कब तक? परसों तक. परसों तक मैं यही एक्चुअली. नहीं, फर्स्ट वीक ऑगस्ट 100. देखा वो अपने वाले हैं तो सर प्लीज, सर सर एक मिनट, सर सामने, सर एक मिनट प्लीज, सर बैठ जाइए. शंकर भाई बैठ जाइए. हटो यार. सर इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू जॉइन. यस यस, मोबाइल वाले भाई सर. क्यों नहीं है सर? प्लीज शंकर सर, इफ वी कैन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज. सलीम सर, सॉरी इफ आई कुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज. थैंक यू. उनको मोबाइल वालों का भरोसा नहीं, ये सब सामने खड़े इनको थोड़ा इस तरफ हो जाइए, साइड हो जी. अजय नीचे, अजय नीचे, अजय अजय फोन नीचे करा यार. बाकी बढ़ो, आ जाओ इससे, बाकी बढ़ो आगे मत, इधर आओ, तुम लोग पीछे आओ, ये इधर है, ये लेंस आ रहा, पीछे आओ. इतनी मेहनत की हमने और इधर भाई पीछे बस बैठ के लो, बैठ के, बैठ के लो. विनोद पीछे चले सर, थोड़ा पीछे ही सर, चले जी. रेडी सर? हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे ये नाश पिछले, अरे
ले ले ना थोड़ा ले 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 यही मैं बोला ना वैसे सब जाने वाले हैं इसलिए आना राइट इफ आई कैन रिक्वेस्ट ऑल द फैंस टू प्लीज बी सीटेड वी हैव अ स्पेशल फोटो ऑप विद सोनू जी तो आप इफ यू कैन प्लीज रियली अप्रिशिएट इट गुरुपा जी टेबल हटा ग्रुप के चलो बोल दिया हो गया हो गया सेम सेम क्या क्या बाहर करेंगे।